हंगामा हयात से जाने बर ना हो सका, ये दिल अजीब दिल है कि पत्थर ना हो सका। आदाब सामाइन, मैं हूं आपका अपना ज़ैन ऑन लम्हे, ओनली ऑन बिग एफएम। लम्हे विद ज़ैन, सिर्फ बिग एफएम पर। और आज की हमारी कहानी है द परफेक्ट वाइफ। जिंदगी में एक अच्छा इंसान होना ही सब कुछ नहीं होता, आपको अपनी अच्छाई का एडवर्टीजमेंट भी करना होता है, क्योंकि कई बार अच्छे लोगों को ऐसे साथी मिल जाते हैं कि अच्छाई करना उनके लिए भारी पड़ जाता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डोंट कंफ्यूज माई काइंडनेस विद माई वीकनेस। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। माला सुबह से ही बड़ी खुश थी। सुबह सुबह जो लड़की किताबें खोल के बैठ जाती थी, आज वही लड़की गाने गुनगुना रही थी। उसे पता था कि आज उसका रिजल्ट आएगा, और उसे ये भी पता था कि वो टॉप करेगी। इसे कहते हैं मेहनत का कॉन्फिडेंस। हेलो, और बताओ मिसेस अग्रवाल, रिजल्ट को लेकर पेट में गुदगुदी हो रही है या नहीं? अरे यार, हुई नहीं तो हो जाएगी अगले महीने तक शादी होने वाली मिसेस अग्रवाल। अरे यार, इसमें इतना भड़क क्यों रही है? मतलब आज रिजल्ट्स आ रहे हैं और तू आगे अपने करियर ऑप्शंस नहीं, अपने लहंगे चूज कर रही है। हद है यार। यार प्लीज, ये सब ईमो ड्रामा मत सुना मुझे। मेरा मूड ना बहुत अच्छा है अभी। बस इस बार माला सिन्हा बन जाए टॉपर, उसके बाद ना लाइफ सेट हो जाएगी। तू तो जानती है ना, पापा की डेथ के बाद माँ ने कितनी मेहनत से संभाला है मुझे, पढ़ाई का पूरा खर्च किस तरह से मैनेज किया है। नाउ इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल फ्रॉम हर और उनको फुल टू आराम देना है। अच्छा चल, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं साइबर कैफे रिजल्ट देखने जा रही हूँ, और तू लगी रहे अपने लहंगों की दुकान में। चल बाय। यूनिवर्सिटी टॉपर माला अपना रिजल्ट आखिरकार ले ही आई और अपनी माँ के सामने ला के रख दिया और हाथ खोल कर खड़ी हो गई, इस उम्मीद में कि माँ कुछ इनाम देगी खुशी में। माँ ने इनाम तो नहीं दिया, उसके हाथ में जन्म कुंडली पकड़ा दी किसी लड़के की, ये कह के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। माला शॉक थी, यहाँ उसकी हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई थी और उसकी माँ को उसके 36 गुणों की परवाह थी। बचपन से लेके जवानी तक माँ बाप लड़की की पढ़ाई पर जोर देते हैं, पर जब वही लड़की जवान हो जाती है तो उसकी सारी मार्कशीट्स, उसकी सारी डिग्रीज और उसके सारे अचीवमेंट्स फेरों की पवित्र अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। माला ने साफ मना कर दिया कि उसे फिलहाल शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। काफी टॉपिक्स पे बहस हुई, जैसे कि ऑल टाइम क्लासिक क्या मैं आपके ऊपर बोझ हूं, या फिर समाज क्या कहेगा, और मुझे नाते नातियों का मुंह देखना है। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। हाँ बोल। अरे यार क्या कॉन्ग्रेट्स, भाड़ में गया रिजल्ट और भाड़ में गई तेरी टॉपर। क्या फायदा हुआ ये सब करके? मेरे घर पर भी ना वही हो रहा है। यहाँ मैंने टॉप किया और मेरी माँ ने रट लगा दी शादी की। सुबह से लड़के वालों के गुनगा रही हैं कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, खानदान भी अच्छा है। अरे यार तो क्या मतलब, देख मैंने तो ना साफ बोल दिया है कि मैं नहीं कर रही कोई शादीवादी अभी। काश इंसान जो चाहता वो उसे हमेशा मिल पाता। आज माला वेड्स मनीष के स्टिकर हर तरफ लगे हुए हैं। माला इकलौती बेटी थी अपनी माँ की, और पापा की डेथ हुए काफी टाइम हो गया था। माला ने अपनी माँ की जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दिया और शादी के मंडप को एक्सेप्ट कर लिया। माला खुश तो नहीं थी, पर खुशी और गम सबकी कीमत आजकल पैसों में चुकाई जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कहती है। कई दफा हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ काम अंजाम देते हैं, अब चाहे वो काम शादी ही क्यों ना हो। हमारी सोसाइटी का फेवरेट पास टाइम है शादी पे डिस्कशन। शादी कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किससे हो रही है और क्यों हो रही है, इन्हीं सब सवालों और जवाबों में हमारे समाज की कई सदियां गुजर गईं, पर आज तक ना किसी ने सही सवाल किया और ना ही सही जवाब मिला। मिला तो बस एक शादी का कागज, या ये कह लीजिए कि समाज में इज्जत बचाने का सर्टिफिकेट। माला, मेरे कपड़े कहाँ हैं? प्रेस करने को जो दिए थे। ये रखे तो हैं। नहीं यार, मैंने ब्लू चेक्स वाली शर्ट दी थी, ये तो प्लेन वाइट है।
अच्छा रुको देखने दो। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट लड़की यहाँ व्हाइट शर्ट और ब्लू चेक से जूझ रही थी। वहीं हमारे सरकारी बाबू मनीष आराम से कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर चला रहे थे, जैसे कि खुद के हाथ और पैरों में जान नाम की कोई चीज ही ना हो। ये रही, ये लो। यार इसकी तो प्रेस ही खराब हो गई पूरी, प्लीज कर दो जरा। अच्छा करके लाती हूँ। और हाँ थोड़ा सा पानी भी लेती आना। माला कपड़े प्रेस करते करते अपने आप से ही कुछ बोले जा रही थी। क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसीलिए बनी हूँ? इन साहबजादे को तो अपनी गलती रियलाइज भी नहीं होती, और अगर मैं कुछ कहूँ तो कयामत ही आ जाएगी। ये अच्छा सिस्टम बना हुआ है, थोड़ा काम खुद भी कर लिया करो सर। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ किसी काम को, पर कुछ तो लिहाज होता है। अब जानबूझ के खुद काम कुछ करना ही नहीं है तो। माला, माला। हाँ। अचानक एक कमरे से किसी हेल्पलेस से आदमी की चीखने की आवाज आती है। माला दौड़ी हुई कमरे के अंदर दाखिल होती है, पर ऐसा क्या हुआ मनीष के साथ जो एकदम से वो चिल्लाने लगा, और सबसे पहला नाम उसकी जबान से माला का निकला। माला देखो मम्मी को क्या हो गया, ये अचानक से बेहोश हो गई। ये दोनों हॉस्पिटल लेके आ गए हैं मनीष की मम्मी को। माला ने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है और स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही है। मम्मी को हॉस्पिटल में दोनों ने एडमिट किया, या ये कह लीजिए कि माला ने, सारे फॉर्म्स भरने से लेकर डॉक्टर्स को मम्मी का पूरा रूटीन बताने तक, क्या खाती थीं, क्या नहीं खाती थीं, सारी इन्फॉर्मेशन माला के पास थी। मनीष बस खड़े वहां माला का मुंह देख रहा था, पर रेस्ट अश्योर्ड मनीष को अभी भी कुछ रियलाइज नहीं हुआ होगा। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि उसकी माँ तो माला की जिम्मेदारी है, उसका क्या लेना देना इन सबसे, पैसे तो वही कमा रहा है ना, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। मनीष तुमने अपने भाई और बहन को कॉल किया? मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ कर दिया, आ जाएंगे, बिजी लोग हैं यार। शालिनी को अभी बेबी हुआ है, वो उसमें बिजी रहती है, और राहुल अपने बिजनेस में, और तुम तो हो ही यहाँ पे मम्मी की देखभाल के लिए। हाँ मैं तो हूँ ही, लेकिन अच्छा तुम अभी यहीं रहना, मैं जरा घर होके आता हूँ। ठीक है जल्दी आना, और मैं ना 2 दिन से सो ही नहीं हूँ, तुम आ जाओगे तो फिर थोड़ा सो सकती हूँ। या ओके डन, आधे घंटे में आ जाऊंगा। कई घंटे बीत गए और मनीष का कोई अता पता नहीं था, और ना ही उसके भाई और बहन का। यहाँ नींद की कमी की वजह से माला की हालत खराब हो रही थी, पर क्या करती, और किसी को ना हो, पर माला को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास था। तभी मनीष का छोटा भाई राहुल रूम में घुसता है। हेलो भाभी, मम्मी कैसी हैं अब? मम्मी ठीक है अब। भैया आप आ गए हो तो मैं थोड़ी देर सो जाऊं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भाभी मैं एक अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ, मुझे निकलना है 15-20 मिनट में, शालिनी रास्ते में ही है, आ रही होगी। ठीक है वो आ जाएंगी तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। अरे दीदी भी आ गई। अब कैसी है मम्मी की तबीयत? अब बेटर है दीदी, पर अभी भी 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत है उनको। थैंक यू सो मच माला। अरे प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी, और थैंक यू वाली क्या बात है, अब आप आ गई हैं ना, थोड़ा आप संभाल लीजिएगा, थोड़ा मैं संभाल लूँगी। या अबाउट दैट, बात यह है कि मुझे ना कुछ दिनों के लिए ज़रा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, सो आई डोंट थिंक कि मैं मम्मी को टाइम दे पाऊँगी। लो मनीष आ गया। हे मनीष गॉट अ रन, लेट हो रहा है फ्लाइट के लिए, आई कॉल यू लेटर। ये भी बचपन से जल्दी में ही रही है पागलपुरी। खैर तुम बताओ माला, ऑल गुड? ये सवाल सुन के माला के दिलो दिमाग में गुस्से की लहर तोड़ गई, पर उसने अपने आप को संभाला, ना ही मौका था और ना ही जगह उस गुस्से को जाहिर करने के लिए। पर इंसान कितना ही काम क्यों ना एक्ट करे, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन तो निकल ही जाती है, भले तरीका तंज भरा हो। हाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब लोग, सबकी सिचुएशन, सबके बहाने, सबकी हरकतें, ये सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस, बायसनेस, व्हाटएवर, सब एकदम रीजनेबल एंड परफेक्ट, किसी में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। खैर मैं जा रही हूँ सोने, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अरे ऐसा क्या हो गया? माला की फ्रस्ट्रेशन उसकी बातों से साफ झलक रही थी, पर वो होता है ना कि समझने वाले तो आंख बंद करके भी समझ जाते हैं, और जो समझना ही नहीं चाहते उनको अगर लिख के भी दे दो वो उसे भी अनदेखा कर देते हैं। माला ने अभी बस झपकी ही ली होगी कि तभी माला, माला उठो, तुम्हारा कॉल आ रहा है। हेलो, व्हाट, क्या
कब, कैसे? अच्छा मैं भी आती हूँ, वहीं रहना, उनको संभालो तुम, मैं आती हूँ। अरे मगर क्या हुआ? मेरी मॉम, वो उनको, मनीष, वो मुझे मॉम के पास जाना होगा। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, और माँ पे अगर आंच आ जाए तो किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग औलाद को बर्दाश्त नहीं होगा। माला अपनी माँ की इकलौती औलाद है और अपनी माँ का इकलौता सहारा भी। पर अब सवाल ये उठता है कि मनीष की माँ को भी माला की जरूरत है और माला की खुद की माँ को भी। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इन्वॉल्व लोगों की जिंदगी बहुत आसान होती है, पर माला जैसों की नहीं। बोलो माला, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? बाथरूम में स्लिप कर गई हैं, काफी सीरियस चोट आई है उन्हें। पड़ोस वाले बंटी का फोन था, उसने अभी बताया, आई नीड टू गो मनीष, मुझे प्लीज घर ड्रॉप कर दो। जाहिर सी बात है, माला बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ अ मदर, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपनी माँ के पास जाने के अलावा। क्यों? क्यों क्या? मुझे अपनी माँ के पास जाना है, और क्या, शी नीड्स मी। अरे तो यहाँ कौन संभालेगा फिर? मनीष तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतने दिनों से मम्मी का पूरा ख्याल मैं ही तो रख रही थी ना, तुम कुछ दिन देख नहीं सकते अपनी माँ को? राहुल और शालिनी को बुला लेना। तुम्हें पता है ना, दे कांट स्पेयर एनी टाइम। आई डोंट केयर मनीष, मेरी माँ को मेरी जरूरत है और मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना प्लीज। मैं, मगर मैं अकेले कैसे संभालूंगा? सब दवाइयाँ कब देनी है, कितने डोसेज, सब तुम्हें पता है। हाँ तो पता कर लेना मनीष, नर्स से पूछ लेना, डॉक्टर से पूछ लेना, थोड़ा एफर्ट लगेगा पर हो जाएगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो माला, बंटी है ना तुम्हारी माँ के साथ, वो संभाल लेगा उन्हें। कैसी बातें कर रहे हो तुम, खुद को सुनाई भी नहीं देता क्या बोल रहे हो? बंटी पड़ोसी है, उसने फोन करके बताया, यही बहुत है, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा फर्ज है। और ये फर्ज नहीं है मेरी माँ, तुम्हारी सास की देखभाल। नहीं, ये फर्ज बिल्कुल नहीं, ये आपका फर्ज है और आपके भाई बहनों का फर्ज है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम नहीं जा रही हो, किसी को फोन करके कह दो, वो देख लेगा। मनीष मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है उनका, और मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी सुनती जाओ फिर, अब जा तो रही हो पर वापस आने की सोचना भी मत। यही है, यही था, पर दुआ कीजिए कि बदल जाए इस समाज के मर्दों का हाल, मतलब कुछ मर्दों का हाल जिन्हें जरूरत है मेंटल हेल्प की, या फिर कोई ईगो रिडक्शन सेंटर की जहां से अपनी थोड़ी गर्म हवा कम करवा सके। जब औरत पे बस ना चले तो डाइवोर्स से ब्लैकमेल करो। जुल्म की इंतहा हो ना हो पर बर्दाश्त की एक इंतहा होती है, और अच्छे से अच्छा इंसान भी एक दिन उस इंतहा के इम्तिहान में फेल हो जाता है। माला भी आखिर एक इंसान थी और उसकी माँ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या होगा माला का फैसला? क्या वो इस इम्तिहान में पास हो पाएगी? डिवोर्स? डिवोर्स की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ। After all I've done for you, for this family? तुम खुद गई सब कुछ बीच में छोड़ के, मम्मी को, मुझे। Oh God, मनीष, grow up. तुम सब खुद संभाल सकते हो, मैं तुम्हारे कपड़ों से लेके तुम्हारे खाने तक का ख्याल रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था शादी से पहले कि बेटा हमारी इज्जत का ख्याल रखना नए घर में, और मैं उनकी वजह से तुम सबका ख्याल रखती थी अपनी खुद की फैमिली की तरह, और आज उसी माँ को जब मेरी जरूरत है तो तुम। और मेरी माँ, उनको भी तो जरूरत है, तो तुम देखभाल करो उनकी, और अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो अपने भाई से कहो जिससे अपने करियर और अपने काम से फुर्सत नहीं है। पैसा ही तो है सब कुछ दुनिया में, है ना? इसी पैसे की वजह से तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर कंट्रोल कर रहे हो। गेस व्हाट, पैसे की वजह से नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल हो रही थी। और अपनी उस बहन से कहो कि आके ख्याल रखे अपनी माँ का, हर वक्त आउट ऑफ स्टेशन ही रहना होता है उनको। हो गया, तुम वापस आ रही हो या नहीं? नहीं। और हाँ एक और बात, तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे? मैं तुम्हें देती हूँ डिवोर्स, आई एम लीविंग यू। कुछ दिनों में घर पे पेपर्स पहुंच जाएंगे, थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करना और साइन कर देना। शायद यही अंजाम होता है जबरदस्ती के रिश्तों का, जहां दोनों हमसफर नहीं बल्कि एक खुद को मालिक समझे और दूसरे को नौकर। मनीष और माला का रिश्ता तो खत्म हो चला था, पर क्या ये कहानी भी यहीं खत्म होनी थी या कुछ और बचा है इस सफर में? मुझे लगता है कि कहानी अगर यहाँ खत्म हो गई तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। आज उन दोनों की डाइवोर्स हुए काफी महीने बीत गए हैं, दे आर बोथ लिविंग देयर सेपरेट लाइव्स। मगर वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी की हुई गलती आपके सामने ना आए
तब तक आपको एहसास नहीं होता, और कुछ ऐसा ही होना लिखा था मनीष के साथ। मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी उठिए। क्या वो मम्मी को अचानक से, मेरी गाड़ी भी खराब पड़ी, बाइक पे मैंने अकेला नहीं ले जा सकता। राहुल को फोन करता हूँ। हेलो राहुल, यार मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है भाई, तू जल्दी घर आ जा बस। भैया मैं आ जाता पर आज थोड़ा बिजी हूँ, सुबह एक नया प्रोडक्ट लॉन्च है और पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप देख लो ना प्लीज। ऐसा करो आप शालिनी को कॉल करके बुला लो। अच्छा ठीक है, चल मैं कॉल करता हूँ शालिनी को। हेलो शालिनी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है जल्द से जल्द, तू गाड़ी लेके आ जा। यार मेरी गाड़ी खराब है। पर भैया मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अगले हफ्ते के बाद ही वापस आऊंगी। अरे यार तुम हमेशा बाहर ही रहती हो, एक वो राहुल है उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपना करियर अपनी लाइफ। कैसे इंसान हो यार तुम लोग, अपनी माँ की परवाह नहीं है। मनीष और दो तीन दोस्तों को कॉल करता है, पर इतनी रात गए कोई कहाँ फोन उठाने वाला था। थक हार के मनीष अपना व्हाट्सएप देखने लगता है कि किसी का तो लास्ट सीन दिख जाए जो जाग रहा हो। एकदम से उसकी नजर माला के व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाती है, लास्ट सीन एट 2:32 AM। ना चाहते हुए भी डेस्परेट सिचुएशन में वो माला को कॉल करता है। हेलो, हाँ बोलो। मैं मनीष, माला, आई नीड योर हेल्प। मनीष इतनी रात को, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, फिर ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है माला, आई रियली नीड योर हेल्प। माँ की तबीयत फिर बिगड़ रही है और मेरी गाड़ी भी खराब है। ओ, और राहुल शालिनी? दे आर बिजी, राहुल का कल कोई प्रोडक्ट लॉन्च है और शालिनी आउट ऑफ स्टेशन है। व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? प्लीज माला, आई नीड योर हेल्प। अच्छा रुको मैं भेजती हूँ किसी को, वेट। मनीष को आज इस बात का एहसास हो रहा था कि माला का दिल कितना बड़ा है, और तभी जी आप कौन? हाय मनीष, मैं अंकित, माला से आई गेस आपकी बात हुई थी। आप डॉक्टर हैं? मम्मी को लेके चले हॉस्पिटल? जी डॉक्टर ही हूँ मैं, पेशेंट कहाँ है? आइए आइए, ये इस रूम में। मनीष देखो घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, शी विल बी ऑल राइट। एक काम करना, बस सुबह होते ही इन्हें हॉस्पिटल जरूर ले जाइएगा और इनकी फुल बॉडी चेकअप करवाइएगा, इस उम्र में ना ऐसे रूटीन चेकअप्स जरूरी होते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे मेरा नहीं, माला को थैंक यू बोल दीजिएगा। इनफैक्ट मैं घर जाकर आपकी उनसे बात करवा दूंगा। घर जाकर मतलब? मैं समझा नहीं। ओह उसने लगता है आपको बताया नहीं, माला मेरी वाइफ है। ओह हमने एक महीने पहले ही शादी कर ली। आई मीन मतलब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भले ही माला और मनीष का डिवोर्स हो चुका था, पर मनीष को इस वक्त काफी अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में जैसे फ्लैशबैक की तरह फिल्म चल रही थी जो लम्हे उसने माला के साथ गुजारे थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि माला एक अच्छी इंसान थी, एक परफेक्ट वाइफ थी, और वो ही गलत था हर बार। वक्त और किस्मत की बात है, कल को मनीष ने माला की अहमियत नहीं समझी, बट माला फाउंड समवन हु रिस्पेक्ट्स हर एंड वैल्यूज हर फॉर हु शी इज। देखिए अपने आसपास, कहीं आप भी किसी ऐसे इंसान की अहमियत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? ये कहानी लिखी है वाहिद ने, आपको कैसी लगी ये आप हमें 3 प्लेटफॉर्म्स पे बता सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कीजिए 9323927927 पर, या मेल कीजिए onlamhewithzain@gmail.com, या फिर मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो कीजिए lamhewithzain और वहां हमें अपना फीडबैक दीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी स्टोरीज भी हमें सेंड कर सकते हैं, अपनी पोएट्री भी सेंड कर सकते हैं, उन स्टोरीज में से हमें जो अच्छी लगी हम जरूर नरेट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे अगली बार मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।